हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे युवराज बैच में। और युवराज बैच में आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही प्यार के साथ स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये क्लास काफ़ी दिन बाद हो रही है, तो आज मैं भी आप लोगों से मिलकर के बहुत ही खुश हूँ, आप लोगों से बात करके मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। दोस्तों, इसके पहले आपको मैंने क्या पढ़ाए थे, 2D फिगर्स। क्या पढ़ाए थे बच्चों? 2D फिगर्स। तो 2D फिगर्स में जो फिगर्स होते थे वो आपके कॉपी में, पेपर में जो है आप उनको बना सकते थे, जैसे कि रेक्टेंगल। ओके, ये जो रेक्टेंगल है आप इसको जो है ये बना सकते थे। जैसे ये देखो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास में एक रेक्टेंगल है, आप इसको बड़ा ईजिली बना सकते हो। ओके, तो ये जो था ये 2D फिगर्स था। और भी काफ़ी सारे शेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, ये आपके पास में यहाँ पे स्क्वायर भी आप बना सकते हो अगर आप इसे चाहो तो। ये आपने स्क्वायर टाइप है। ओके, अब ये स्क्वायर लग रहा है ना। ये आपने क्या बना लिए, ये आपने स्क्वायर बना लिया। ये 2D फिगर्स थे। अब देखिए, थोड़ा सा हम 3D फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 3D फिगर्स में सबसे पहला जो फिगर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम पढ़ेंगे बच्चों, क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्यूब पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। ओके, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, क्यूब क्या होता है। तो भैया, क्यूब क्या होता है सबसे पहले जान लो, क्यूब क्या होता है। क्यूब जो होता है एक सिक्स फेस वाला एक ऐसा डायग्राम हुआ करता है जिसकी सारी की सारी जो एजेस होती हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं सही कर देता हूँ। अब मैं जो बनाऊँगा वो परफेक्ट एकदम स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो, ये देखिए, ये आपके पास में मैं क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरीके से, ओहो गड़बड़ हो गया। ये देखिए, आपके पास में एक सिक्स फेस का एक बॉक्स बन चुका है। ओके, ये क्या बन चुका है? सिक्स फेस का एक बॉक्स बन चुका है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ओके, अरे भाई, इसको हम क्यूब बोलते हैं। अब इसकी एक खासियत देखो बेटा, ये क्या है, क्यूब की जो सारी फेसेस होती है ना, वो सबकी सब स्क्वायर होती हैं। क्या होती हैं? स्क्वायर। मतलब ये हर तरफ स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अगर आप चाहो तो देखो, मैंने ये स्क्वायर बनाया है। ओके, और यहाँ पर भी मैंने एक स्क्वायर ही बना दिया है। ये देखो, ये स्क्वायर बन चुका है। अब आप इसके इन फेसेस को ज्वाइन कर दो तो देखो, ये एक प्यारा सा बॉक्स बन जाएगा। देखो, बन रहा है ना? हाँ। जी हाँ, ये बन गया। और ये क्या है अपने पास में? क्यूब है। क्या है? ये क्यूब है। तो मतलब ये तो बच्चों आपको समझ में आ चुका है कि क्यूब की जो सारी फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? स्क्वायर होती हैं। क्या होती हैं? स्क्वायर। मतलब जैसे आपने देखा हो ना, पासा, डाइस खेलते हो ना, लूडो खेलते हो, स्नैक लैडर्स खेलते हो, उसमें जो फेसेस होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? वो स्क्वायर होती हैं। क्या होती हैं? स्क्वायर। अब बात करते हैं हम क्यूब के एजेस की। एजेस यानी साइड्स की बात करें, एजेस मत बोलो, साइड्स बोलते हैं ना। नौ तो क्यूब में जो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये साइड क्या है, ए है, तो ये भी क्या होगी? ए होगी। ये भी क्या होगी? ए होगी। ये भी क्या होगी? ए होगी। तो मतलब स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ओके, और ये भी ए है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एक सामने वाला स्क्वायर है, और ये एक पीछे वाला स्क्वायर है, फिर ये आजू वाला स्क्वायर है, और फिर ये बाजू वाला स्क्वायर है। तो सारी के सारे जो इसकी फेसेस होती हैं उनकी सबकी जो लेंथ होती है, साइड्स की लेंथ होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें मेन आज की टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक है क्यूब का सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया, तो ज़रा ध्यान से देखो, क्यूब के सरफेस में टोटल आपके पास में 6 वॉल्स हैं, एक नीचे वाली। तो नीचे वाली जो वॉल है, दरअसल वो है क्या भाई साहब? नीचे वाली जो वॉल है वो एक स्क्वायर है। क्या है वो? स्क्वायर है। और जिसकी स्क्वायर की लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी क्या है? ए है। वो तो होना ही था, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, तो आपको निकालना इसका एरिया, नीचे वाली फेस का। आपने का एरिया निकाला, तो आप जानते हैं एरिया इक्वल टू कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू ए, बोले तो क्या हो गया? ए का स्क्वायर। क्या हो गया? ए का स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाली फेस है, जैसे जमीन जिस पे हम बैठते हैं, ओके, इसका एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। यस और नो? इसका एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। फिर देखो, ये ऊपर वाली फेस है, ये ऊपर वाली फेस दिख रही है ना आपको, इसको सीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका भी एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। ओके, फिर ये आजू वाली फेस है, ये वाली जो फेस आपको दिख रही है येल्लो कलर से, इसका भी एरिया कितना है? ए स्क्वायर। फिर ये बाजू वाली जो फेस है, इसका भी एरिया कितना है?
ए स्क्वायर बन गया। और फिर ये पीछे वाली फेस है, इसको किस कलर से कर दूं, रेड कलर से कर देता हूं मैं इसको पीछे वाली फेस को। तो हालांकि वो काफ़ी सारा शेड हो चुका बट फिर भी कोशिश कर लो। ये देखो पीछे वाली फेस शेड हो गई ना, यस। वो भी कितना भाई साहब, ए स्क्वायर। और अब सामने वाला दरवाज़ा यहाँ जो लगेगी, ये एक फेस है, वो भी कितनी है, ए स्क्वायर। तो आपने देखा ए स्क्वायर की टोटल कितने फेस हो गए, छः। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सारे फेस का एरिया ए स्क्वायर है। अब आप ए स्क्वायर को ऐड करो ना, तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, कितने बार ए स्क्वायर, 6 बार ए स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। कितना आ गया आंसर, 6a स्क्वायर। तो दोस्तों ये है इसका एरिया 6a स्क्वायर। इस तरीके से हम जो है इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया 6a स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, वेरी गुड बच्चों। चलो तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया 6a स्क्वायर। क्या निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना। अच्छा बोलना भी आना चाहिए भाई साहब, है ना, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो एक और मजे की बात है ना, चलो क्या है भाई मजे की बात, मजे की बात ये है कि मैं एक और आपको सरफेस एरिया बता रहा हूँ जिसका नाम है, देखो सरफेस एरिया एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, है ना। सरफेस एरिया, एरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टोटल और एक होता है लेटरल। क्या होता है बेटा, लेटरल। तो एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब सारे, टोटल का मतलब सारे। अब लेटरल की बात समझ लो, अब किसकी बात समझ लो, लेटरल की बात समझ लो। अब लेटरल की बात समझने के लिए एक काम करो, यहां से मैंने फिर से एक स्क्वायर बनाया, ये एक स्क्वायर ये बनाया, ओके। चलो अब ये देखो इसको जोड़ दो, ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब बन गया। मैंने कहा कि इस क्यूब में आपको कलर करना है, इसकी चार दीवारों पर करना है, चार दीवारी। तो मैंने बताया था आपको चार दीवारी क्या होती है, ये लेफ्ट वाली, इधर वाली, ये राइट वाली, इधर वाली, और एक सामने वाली और एक पीछे वाली, सामने वाली और एक पीछे वाली। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपने सीलिंग पे कोई कलर नहीं करा है, मतलब इधर पे कोई कलर नहीं करा है, और यहाँ बॉटम में भी आपने कोई कलर नहीं करा है। केवल आपने एक दीवार, दो दीवार, सामने वाली दीवार दिखा देता हूँ कोशिश करके थोड़ी सी, ये देखो कुछ ऐसा, सामने वाली दीवार और ये पीछे वाली दीवार, दिख रहा है, हाँ, बस इसमें आपने कलर किया है, बाकी आपने किसी में कुछ कलर नहीं किया है। तो भाई ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, मतलब आप जो है ये ऊपर वाली फेस को निकाल दो भाई साहब, और आप जो है ये नीचे वाली फेस को छोड़ दो और बाकी सब में कलर कर दो। ध्यान से देख रहे हो क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली फेस आपने छोड़ दी है, छोड़ दी है ना, हाँ, और नीचे वाली फेस आपने छोड़ दी है, छोड़ दिया ना, और आपको केवल कलर किस में करना है, आजू बाजू सब में, मतलब चारों दीवारों में, ये दीवार एक, ये दो, सामने से तीन और पीछे से चार दीवारों में आपको कलर करना है। तो इसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये वाला एरिया जो कहलाता है इसको कहलाता है लेटरल। और टोटल तो मैंने आपको बता ही दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। वेरी गुड भाई, क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है बच्चों का, 6a स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है कितना, ए स्क्वायर की चार दीवारें, कितनी दीवारें हुई, चार स्क्वायर। तो भैया चार चार दीवार, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो आंसर कितना आ गया, 4a स्क्वायर। कितना आ गया आंसर, 4a स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल नहीं है ये, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मेरे पास आ चुका है 4a स्क्वायर। तो याद रखना इस चीज़ को कि सरफेस एरिया क्या बोला जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है लेटरल। लेटरल मतलब ऊपर को छोड़कर, जैसे आप कमरे में बैठे हुए तो दो तरफ कलर नहीं करोगे, एक तो सीलिंग में कलर नहीं करोगे, सीलिंग में जानते हो ना, सीलिंग में पंखा लगा होता है जहाँ, और दूसरा आप जमीन में बैठे हुए तो वहाँ तो बॉटम में टाइल्स होती है, तो उन दोनों को आप छोड़ दो, है ना। तो टोट वो बाकी को छोड़ करके चार दीवारें होती हैं, होती है ना चार दीवारें, इस चार दीवारों को हिंदी में इसलिए बोला चार दीवारी। क्या बोलते हैं, चार दीवारी। आपके अगली बार अगर पेरेंट्स आपको कमरे में बंद करके चले जाए कहीं, तो आप उनसे बोलिए पापा आपने मुझे इस चार दीवारी में घेर रखा है, चार दीवारी में घेर रखा। आपने फिल्मों में डायलॉग भी सुने होंगे कभी कभी कि तुमने मेरी जिंदगी को इस चार दीवारी में बंद कर दिया, पहले की फिल्मों में बोला जाता था, अब शायद नहीं बोला जाता है। तो ये तो एक जनरल नॉलेज की बात मैंने आपको बता दी। खैर चलो आ दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई मजे के साथ एकदम। तो क्या हुआ, तो हम पढ़ चुके हैं लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चलो इसी बात पे एक प्रैक्टिस कर ली जाए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाता हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, A cube
हैविंग इट्स साइड इक्वल्स 4 सेंटीमीटर. एक क्यूब है और इसकी साइड कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर. भाई साहब क्वेश्चन आया फाइंड. पहली चीज क्या फाइंड करनी है? फाइंड करना है आपको नंबर वन. ओके, क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया, TSA. क्या फाइंड करना है? TSA. एंड देन आपको फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया, LSA. LSA मतलब चार दीवारी. यस और नो? मतलब ऊपर का और नीचे का छोड़ करके. तो टोटल सरफेस एरिया, तो भाई साहब 4 सेंटीमीटर का आपके पास में एक क्यूब है. अब क्यूब बनाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर दिल बोले तो लो भाई साहब एक क्यूब आपने बना लिया. ये देखिए आपके पास में एक क्यूब है, इसकी साइड कितनी? 4 सेंटीमीटर. साइड 4 सेंटीमीटर में देखिए ये लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर. ये क्या होती है? लेंथ. ये देखो आपको जो दिख रही है येल्लो कलर में बेटा, ये होती है ब्रेथ. क्या होती है ये? इसे ब्रेथ बोलते हैं बेटा. ये देखो, एक मिनट. अब ठीक है, हाँ अब देखना. ये देखो ये क्या होती है बेटा? ब्रेथ होती है. तो लेंथ भी 4 है और क्यूब की ब्रेथ भी कितनी है बेटा? 4, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, इक्वल होती हैं. और ये कितनी है? ये भी कितनी है? 4 हाइट है ये, बिल्कुल सही. तो लेंथ भी है 4, ब्रेथ भी है 4 और हाइट भी है 4. इसलिए अलग अलग नाम नहीं दिया जाता, सबको नाम दे दिया. ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारा कुछ नाम क्या दे दिया? ए. कितना नाम दिया? ए. तो टोटल सरफेस एरिया आपको सर जी ने क्या पढ़ाया? 6a square. क्या पढ़ाया है? 6a square. तो 6 multiply भाई ए. भाई साहब ए कितना है? साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर. कितनी है? 4 सेंटीमीटर का क्या लगेगा? स्क्वायर. क्या लगेगा? स्क्वायर. देखो जैसा मैं बताता हूँ वैसे एग्जाम में लिखा करो, लिखने के बहुत मार्क्स मिलते हैं बेटा. अगर आप गलत लिखोगे ना तो आपको उतना एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टीचर के ऊपर. आपको नंबर तो मिलेंगे मगर पूरे नहीं मिलेंगे. फिर आप कहोगे मैथ्स में मैं स्कोर नहीं कर पाता हूँ, 100 मार्क्स का करके आया हूँ और मुझे मिले हैं कितने? 70 मार्क्स. 30 मार्क्स कहाँ कट गए? इन्हीं सब बातों से आपके 30 मार्क्स कटते हैं. देखो 6a square, 6 into 4, तो ये लिखा 6 into. अब 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है. और ये हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो आंसर कितना हो गया? 616 या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है आपका. क्या गया है? टोटल सरफेस एरिया. अब चलो देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया कितना. लेटरल मतलब चार दीवारी, मतलब ये वाली वॉल, ये वाली वॉल. ओके, और कौन सी? पीछे वाली और सामने वाली. हाँ, है ना? ऊपर वाली और नीचे वाली को अपन को टच नहीं करना है. तो लेटरल सरफेस का एरिया बताएंगे बच्चे लोगों, बोलो कितना होता है? 4a square होता है. 4a square होता है. तो 4 और मल्टीप्लाई बाई a, साइड कितनी है बोलो? 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है? तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया. तो 4 multiply by 4 का स्क्वायर 16 हो गया. और ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आंसर कितना हो गया बच्चा लोगों? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ चुका है इसका कौन सा एरिया? लेटरल सरफेस एरिया. अब मैं बताता हूँ बच्चों इसका वॉल्यूम. क्यूब का वॉल्यूम वैसे सबको पता होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है. सो क्यूब का वॉल्यूम लिख लो भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो मैं क्यूब के वॉल्यूम की बात करता हूँ कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है. ये देखिए आपके पास में फिर से वही क्यूब है और क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल है. ये लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है. तो बच्चों याद रखो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, लेंथ भी सेम है ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी क्या है? ए है. आंसर कितना आएगा? ए क्यूब. क्या आएगा आंसर? ए क्यूब. ओके, अब अगर आप में सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूबिक लगा देना, अगर मीटर में तो मीटर क्यूबिक लगा देना. आओ इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको मजा आ जाएगा. वही क्वेश्चन कर लो. मान लो ये साइड कितनी दी गई है? 4. कितनी दी गई है? 4. ये भी आपका 4, ये भी आपका 4. अब आपको वॉल्यूम निकालना है. तो आंसर क्या है? ए का क्यूब है आंसर. तो भाई साहब ए कितनी है? 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है? सेंटीमीटर का क्यूब हो गया. तो सबसे पहले 4 का क्यूब करो. तो 4 का क्यूब को साइड में रख दो और फिर किसका क्यूब हो जाएगा? सेंटीमीटर का क्यूब. क्योंकि सेंटीमीटर क्या है? उसकी यूनिट है, नापते हैं जिसमें, है ना, जिसमें नापते हैं उसको क्या बोलते हो? यूनिट. क्या बोलते हो? यूनिट. हाँ, तो यूनिट का भी क्यूब करना पड़ेगा, समझ गया ना. तो 4 का क्यूब कितना होता है? सब लोग को याद होगा 4 का क्यूब कितना होता है? 64. और ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब. तो आंसर आ चुका है 64 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ चुका है आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. क्या चुका है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो यहाँ पर मैंने बच्चों आपको क्यूब के बारे में सारी बातें पढ़ा दी. अब मैं अगला आपको बताता हूँ, मजेदार डायग्राम है क्यूब वाइड. क्या बताऊंगा आपको मैं?
क्यूबॉइड। ओके देखो भाई क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड को समझने के लिए फिर से मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ। आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी ना, तो जो माचिस की डिब्बी हुआ करती है, हाँ देखो ये बन गया आपके सामने, माचिस की डिब्बी जो होती है वो एक्चुअली एक क्यूबॉइड ही हुआ करती है। ये देखो मैं क्यूबॉइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके यस, अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बना रहा हूँ मैं भाई साहब, ये इससे ज्वाइन कर दिया। ओके फिर से मैं ज्वाइन करूँगा, एक लाइन लूँगा और ये मैंने इसको, अरे भाई ज्वाइन हो जा, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर से एक लाइन लूँगा और ये उठा करके मैं इसको ये ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन हो गया। ओके एंड देन ये फिर से उठा करके इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखो ये क्या बन चुका अपने पास में, ये बन चुका है एक क्यूबॉइड बन चुका है। अब देखो क्यूबॉइड में थोड़ी सी परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा चेंज होता है ये। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हेड क्या है। ये जो दिख रहा है सामने की साइड, ये है लेंथ, ये है लेंथ यानी लंबाई। ओके ये जो पीछे की गैप दिख रही है ये होती है ब्रेथ। जब आप माचिस लेंगे तो माचिस में आपको पीछे की साइड गई होगी, हैं आप ऐसे सामने दिख रहा मगर माचिस में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप इधर देखते हो तो वो पीछे चला जाता है, ब्रेथ हो गई है। ओके और ऊपर ये जो है ना, ये ऊंचाई है, इसे थिकनेस भी बोलते हैं, इसे कहीं कहीं पर हाइट भी बोलते हैं। तो ये हो गई हाइट, क्या हो गई बच्चा ये हाइट। तो एल इंटू बी इंटू एच आपने देख लिया, लेंथ भी देख लिया, बी ब्रेथ भी देख लिया और हाइट भी देख लिया। ओके अब देखो भाई बहुत काम की चीज़ें इसमें होने वाली हैं। इसमें टोटल कितनी फेसें हैं, छः, कितनी फेसें हैं, छः। कैसे, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, बोलो हाँ या ना। ये देखो ये एक ऊपर वाली है और ये एक नीचे वाली, दिख गई ना। तो एक ऊपर की फेस है, एक नीचे की फेस है, बिल्कुल सही है। ओके हाँ अब देखो एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, राइट लेफ्ट में दो दो फेस हैं कि नहीं है। अब कौन सी बची, एक बच गई सामने वाली, ये देखो जो सामने वाली फेस दिख रही है, हाँ ये सामने वाली है और एक पीछे वाली है जो पीछे से दिखाई देगी। मैं उस फिर भी उसको डार्क करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये पीछे वाली फेस है। तो पीछे वाली फेस का सामना ये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ, पड़ेगा। और सामने वाली फेस का सामना ये पूरा पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ तो ये कहलाता है आपके पास में, ये क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, छः फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, छः फेस। क्यूबॉइड के सिक्स फेस हुआ करते हैं। अब यार देखो क्या सीखना आपको, आपको सबसे पहले मैं वॉल्यूम बता दूँ कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप याद कर लो कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर अब सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में रख देना, और अगर मीटर में है तो किस में रख देना, मीटर क्यूब में, जैसा भी होगा वैसा कर देना। अब देखो दो चीज़ें, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज, इसका सरफेस एरिया, क्या बता रहा हूँ मैं इसका सरफेस एरिया। तो पहले मैं बताऊँगा आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या बताऊँगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जानने के पहले ये सोचो कि ये जो क्यूबॉइड होता है वो किससे मिलके बना होता है। जैसे आपको जो क्यूब था वो किससे मिलके बना था, स्क्वायर से, किससे मिलके बना था, बट ये जो क्यूबॉइड होता है उस रेक्टेंगल, इसकी जो फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, रेक्टेंगल, क्या होती हैं, रेक्टेंगल। तो अगर आप इसका एरिया जानना चाहते हो तो आपको सब अलग अलग रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे देखिए आपके पास में सबसे छोटी रेक्टेंगल फेस, सबसे नीचे वाली रेक्टेंगल फेस देख लो, ये नीचे वाली रेक्टेंगल फेस है, कौन सी वाली, ये नीचे वाली, ये देखो ये जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ ना, ये फेस दिख रही है आप लोग को, हाँ अगर कहो तो मैं रेड कलर शो कर देता हूँ, ये देखो ये रेड कलर से, ये लो इधर भी मैं रेड ऐसे कर देता हूँ। तो ये सबसे नीचे वाली रेक्टेंगुलर फेस है, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है भाई साहब, एल, इसकी ब्रेथ कितनी है, बी, है कि नहीं है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, कितना हो जाएगा, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ध्यान से देखो जो फेस नीचे है उसी की ऊपर भी एक फेस उसी के इक्वल नाप की है, बोलो है कि नहीं है, क्योंकि जितना नीचे उतना ही ऊपर है कि नहीं है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ नीचे बना और साथ ही साथ में लेंथ इनटू ब्रेथ ऊपर बना, बना कि नहीं बना, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ नीचे तो है और साथ ही साथ लेंथ इनटू ब्रेथ कहाँ है, ऊपर भी है। तो एक एल बी नीचे है और एक एल बी कहाँ है, ऊपर है, बोलो है कि नहीं है, हाँ क्योंकि देखो ये एल है तो ये भी क्या है, एल, और ये बी है तो ये भी क्या है, बी, साफ साफ दिख रहा है इक्वल है, ठीक है कि नहीं बताओ, हाँ। तो ये एल है बी है तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, कितना हो गया,
एल इन टू बी। तो पहले पार्ट का एरिया, दो दो शेडेड का एरिया, एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का, कितना हो गया एल बी और एल बी, दोनों को ऐड कर दो, ऊपर वाला नीचे वाला, तो कितना हो गया टू एल बी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया कितना आ गया टू एल बी, आया कि नहीं आया। अब देखो ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पिंक कलर से शेड करता हूँ, तो तुमको समझ में आएगा। देखो मैं शेड कर रहा हूँ, ये देखो पिंक कलर से मैंने शेड कर दिया ये वाला पार्ट। हाँ ये भी क्या बन रहा, रेक्टेंगल बन रहा कि नहीं बन रहा। हाँ। और इसका जोड़ीदार यहाँ पर भी रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देख सोचो सोचो, माचिस के बारे में सोचो। हाँ या ना। हाँ देखो इधर जो बनेगा उधर ही वो बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ। अब इसकी लेंथ देखो, ये इसकी लेंथ बन गई, ब्रेथ ब्रेथ बन गई, और इसकी ये हाइट बन गई एच, बची कि नहीं बची। ये देखो ये बी है और ये एच है, ये बी है और ये एच है। अगर आप इसको अलग से निकाल के देखोगे सामने से तो ऐसे दिखाई देगा, ये बी बनेगा और ये क्या बनेगा H. अब मैं बोलूंगा इसका एरिया कितना होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू बी इनटू एच, बी एच होगा कि नहीं होगा, बी एच होगा कि नहीं होगा। तो मतलब इधर का भी एरिया कितना होगा बी इनटू एच, और इधर का भी एरिया क्या होगा बी इनटू एच, तो दो बार एड कर दोगे तो क्या हो गया टू बी बी एच, टू बी एच। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। तो एक हो गया टू एल बी, एक हो गया टू बी एच। देखो चार फेसेस हो गई हैं, एक राइट वाली लेफ्ट वाली, बोलो हाँ है ना, एक टॉप वाली और एक बॉटम वाली। अब कौन सी फेसेस बच गई हैं, दो, एक बैक वाली और एक फ्रंट वाली, बची कि नहीं बची। तो चलो बैक और फ्रंट में देख लेते हैं कि बैक और फ्रंट का क्या होगा। ये देखो ये फ्रंट है कि नहीं है, है कि नहीं है, हाँ। इस फ्रंट की लेंथ कितनी है, एल है कि नहीं है, और इस फ्रंट की जो ब्रेथ बन रही है वो कितनी है, एच है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर ही ब्रेथ थी तो बन गई इसकी, बोलो हाँ है ना। ये L हो गया और ये क्या हो गया, H हो गया। तो मैं यदि बोलूंगा कि इसका सामने वाले फेस का एरिया कितना होगा, ओके, तो मैं बात कर रहा था देखिए किसकी, तो इसकी देखिए, अब ये लेंथ है L और हाइट कितनी है H। तो यदि मैं सामने वाली फेस का एरिया बोलूं तो बोलो कितना हो जाएगा, H इंटू L, कितना H इंटू लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। और पीछे भी यही काम हो रहा है, ये देखो पीछे भी इसका जोड़ीदार है कि नहीं है, बोलो है। तो कितना हो जाएगा टू एल एच, कितना हो गया टू एल। तो मजे की बात है भाई साहब, जो एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है टू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस टू ब्रेथ इनटू हाइट प्लस टू लेंथ इनटू एच। एक काम करो आप यहाँ से टू कॉमन ले लो, टू क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्योंकि टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो टू कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, बस हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखो। अब आप कहोगे इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होता है, एल बी और एच की जोड़ी होती है लेंथ ब्रेथ हाइट की, तो टू पहले बाहर ले लो, ले लिया, और दो दो के पेयर बना लो, पहला लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ इनटू हाइट, और फिर लास्ट में लेंथ इनटू हाइट। यस हो गया, ऐसे कर लो, आपको याद रहेगा हमेशा, समझ गया ना। वॉल्यूम में तीनों के पेयर बने थे, और इसमें टोटल सरफेस एरिया में किसके पेयर बनेंगे, दो दो के पेयर, किसके पेयर बनेंगे, दो दो के पेयर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, क्या हो गया ये टोटल सरफेस एरिया। अब चलते हैं लास्ट अपना, जिसका नाम है लेटरल सरफेस एरिया, क्या नाम है, लेटरल सरफेस एरिया। जी हाँ, लेटरल सरफेस एरिया बड़े मजे की चीज़ है। लेटरल सरफेस एरिया को देखते हैं दोस्तों कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। आ जाओ देखो, अभी आपने देखा कि आपने क्यूबॉइड देखा था, है ना, मैं एक बार फिर से आपको क्यूबॉइड बना के दिखाता हूं। यस, ये देखिए एक रेक्टेंगल है और ये दूसरा रेक्टेंगल है, ओके, अभी आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। यस, ये आपने इसको अपने ज्वाइन कर दिया है रेक्टेंगल को, ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास में क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब मैं आपसे बोलूंगा इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो। सबसे पहले इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट देख लो आप, है ना, इसकी क्या देख लो, लेंथ ब्रेथ और हाइट देख लो आप। तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आप देखिए, इसकी कहाँ है लेंथ, ये लेंथ है कि नहीं है, ये क्या इसकी ब्रेथ है और ये इसकी क्या है हाइट। अब मैं बोलूंगा आपसे कि मुझे आप इसका लेटरल सरफेस, लेटरल माने कि चार दीवारी, तो चार दीवारी में एक दीवार तो ये वाली आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, और एक दीवार जो है ये वाली आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, एक साइड वाली, ऊपर नीचे नहीं आता है। तो अब कौन सी बच गई, सामने वाली दीवारें आएंगी, तो एक सामने वाली, बोलो हाँ या ना, और एक पीछे वाली, ये देखिए ये पीछे वाली दिख रही है ना,
हाँ ये चार दीवारी आ चुकी हैं। देखो आप फोर ए स्क्वायर बोल रहे हो, देखो बेटा फोर ए स्क्वायर होता था क्यूब में, किसमें होता था क्यूब में। अब यहाँ पे थोड़ा मामला अलग होने वाला है, चलो मैं देखता हूँ आप लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। तो अब मैं निकालने वाला हूँ एरिया, तो सबसे पहले मैं इस कोने वाली दीवार का आपसे एरिया बोलूँगा। बताइए इसका दीवार का एरिया क्या होगा, इस कोने वाली दीवार का एरिया, ये जो आपके पास है लेफ्ट साइड में जो आपकी फेस पड़ेगी उसका एरिया क्या होगा। इसकी लेंथ है बी और हाइट है एच, बी और एच है, बिल्कुल सही। तो इसका एरिया कितना होगा, बी इंटू एच। तो हम निकालने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया एल एस, तो क्या हो गया बी इंटू, जैसा ये वैसा इसका जोड़ीदार ये वाला होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो बी एच ये वाला और बी एच वो वाला, मतलब टोटल कितना हो गया टू बी एच। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है भाई साहब, अब आगे आ जाओ। अब देखो भाई साहब ये अब पीछे वाला ग्रीन कलर वाला, ये देखो ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाले में क्या क्या मौजूद है, ये एल है तो ये भी क्या है L है, और ऊपर वाला भी क्या है L. लेंथ ही तो है। हाँ। और ये है H तो ये भी क्या है H. H तो बताओ एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू H, बिल्कुल सही L इनटू H बनेगा, कितना बनेगा L. और सामने अगर एल एच है तो पीछे भी, पीछे भी एल एच है तो L. सामने भी क्या बनेगा एल एच, तो मतलब कितना हो गया एक बार एल एच प्लस दूसरी बार एल एच, मतलब टू टाइम्स कितना हो गया एल एच बन गया, और टू टाइम्स बी एच प्लस टू टाइम एल एच कर दिया आपने। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, देखो टू भी कॉमन है और एच भी कॉमन है, एच भी देखिए कॉमन है, तो आपके पास क्या बन जाएगा बी प्लस एल, क्या बन जाएगा बी प्लस एल। तो अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, टू टाइम्स हाइट और ब्रैकेट में बी प्लस एल को आप एल प्लस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि टू प्लस थ्री भी फाइव होता है और थ्री प्लस टू भी फाइव होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, मतलब जोड़ने में आगे पीछे उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं होती। इसको बोलते हैं कौन सा रूल, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव रूल, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ एल प्लस बी लिखो या बी प्लस एल लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला जो इसका बन जाएगा वो हो जाएगा कितना, टू एच ब्रैकेट में एल प्लस एल प्लस बी, कितना बनेगा एल प्लस बी। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं मजेदार तरीके का, और आपको मजा आ जाएगा उस न्यूमेरिकल को देख करके, समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है भाई साहब आज की क्लास में। आ जाओ देखते हैं, एक हमारे पास में भाई साहब क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड है ना, चलो क्यूबॉइड बना लिया जाए, यस शेप से बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा ये, ओके डन। ये पहला हमारे पास क्यूबॉइड बन चुका है, सॉरी रेक्टेंगल बन चुका है। दूसरा रेक्टेंगल मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये लो अच्छा है, ओके चलिए ये बन चुका है। अब इसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, चला लिए काम, ओके ये देखिए बन चुका है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि इस रेक्टेंगल की मैं आपको लेंथ दे देता हूँ टू सेंटीमीटर, कितने टू मैं फोर ले देता हूँ, कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ इसकी है 4 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल की मैं ब्रेथ आपको दे देता हूँ कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसकी मैं जो हाइट है आपको दे देता हूँ कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो हाइट मैंने आपको दे दी कितनी 2 सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है, अब इस पर मैं देता हूँ क्वेश्चन, ओके रेड पेन से दंदनाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम। दूसरा आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तीसरा आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके चलिए अब निकालते हैं वॉल्यूम, वो भी प्रिंसिपल की कलर की पेन से, ग्रीन कलर की पेन प्रिंसिपल चलाते हैं, तो प्रिंसिपल की पेन से निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ कितनी सेंटीमीटर बोलो 4, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो 4 3 जा 12 2 जा 24, तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब, क्या बात है भाई साहब बिल्कुल सही है, दंदराते हुए आंसर यहां पर आ चुका है 24 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। अब बात करता हूं दोस्तों टोटल सरफेस एरिया के, टोटल मतलब पूरा सरफेस एरिया, और उसके लिए फार्मूला ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो फार्मूला कहां गया टोटल सरफेस एरिया का, ये था फार्मूला टोटल लेटरल है भाई साहब, ये है फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का, 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, और लेंथ इनटू हाइट मतलब 2 और ब्रैकेट में सबकी जोड़ी। चलो मतलब सर ने ट्रिक बता दी है, पहले लगाना है 2 और इसके बाद सबकी जोड़ी, पहली जोड़ी किसकी लेंथ की और ब्रेथ की, फिर प्लस लगाना है फिर किसकी ब्रेथ की हाइट की, और फिर किसकी लेंथ की और हाइट की, बस बस बन गई ये जोड़ी। आइए सॉल्व करते हैं, 2 बाहर लगाइए और अंदर लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की जोड़ी, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 3, तो पहले इन दोनों की जोड़ी 4 इंटू 3 को खोपचे में ही कर लो भाई, 4 इंटू 3 कितना होता बोलो 12, कितना हो गया
12, क्लियर हो गया। हाँ। तो यहाँ पे आपने 12 रख दिया, ये देखो यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, ये देखो कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ये देखो यहाँ दिखेगा, ये देखो, ये देखो मैंने लेंथ लिखी थी, ब्रेथ लिखी थी, हाइट लिखी थी, ओके लेंथ कितनी थी, 4 थी ना, नहीं थी, बताओ। तो 4 और 3 का कितना बन गया, 12, और फिर ब्राइट ब्रेथ और हाइट का बना लो कितना हो गया 6, प्लस का कर लो 6, और फिर लास्ट में इन दोनों का 4 2 जा कितना हो गया 8, बस आंसर आने वाला, दौड़ करके 2 को बाहर कर दो, ओके। और देखो 12 और 6, 12 प्लस 6 कितना 18, 18 प्लस 8 इक्वल टू कितना 26, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 52। यूनिट क्या लगेगी, सरफेस एरिया है, एरिया में होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट बनेगी वो बनेगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी, क्या बनेगी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी, नहीं नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में यूनिट क्या बनती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बनेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों बनेगी देख लो, ये लेंथ है, लेंथ भी किसमें होगी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी किसमें होगी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं, अब है आगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, यस ओके, यहाँ पे मैंने गलती से कर्व्ड लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली लैटरल था, क्या था लैटरल सरफेस एरिया, बिल्कुल सही, कर्व्ड नहीं था भाई, कर्व्ड तो दूसरी चीज होती है जो अभी आई नहीं है वो बाद में देखेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों देखो, लैटरल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, टू हाइट ब्रैकेट में एल प्लस बी, टू हाइट ब्रैकेट में एल प्लस बी, आइए देखते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट कितनी है भाई साहब इसकी, टू है, तो टू को बाहर रख दो और ब्रैकेट में लगा लो कितना एल प्लस बी, एल 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 कितना है फोर है, एल कितना है फोर, और यहाँ पर कितना हो गया थ्री, फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले टू टू जा कितना निकलेगा फोर, और फोर प्लस थ्री कितना सेवन, तो सेवन फोर जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और एरिया हमेशा या तो मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आ चुका है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, क्या आ चुका है, तो आप याद रखिएगा कि इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाता है, इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मजे से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरीके से अपन लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको करते हैं, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, आइए मजे की बात करते हैं। देखो भाई साहब, हाँ क्वेश्चन क्या है, देखो भैया क्वेश्चन का कहना है कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास क्या है एक क्यूब, ये देखो एक छोटा सा क्यूब है, ये क्यूब है ओके, और ये क्यूब जो है ये इस क्यूब का वॉल्यूम जो दिया गया आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, कितना दिया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब भैया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, इसका मतलब कितना रहा होगा 1 × 1 × 1 रहा होगा, ये बात तो हर कोई जान सकता है, मतलब इसकी लेंथ भी कितनी है 1, इसकी ब्रेथ भी कितनी है 1, और इसकी हाइट भी कितनी है 1। अब क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन का कहना है कि अगर ऐसे 15 क्यूब आप लगातार रख दें, कितने क्यूब 15 क्यूब, 15 क्यूब अगर आप लगातार रख दें तो बताइए बनने वाले क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, उसका एरिया कितना, उसका वॉल्यूम कितना होगा। ओके क्वेश्चन क्या चल रहा है, लिखो इफ 15 क्यूब्स, इफ 15 क्यूब्स आर अरेंज्ड, ओके 15 क्यूब्ड आर अरेंज, ओके वन आफ्टर वन देन व्हाट विल बी क्या फाइंड करना है, नंबर वन वॉल्यूम, नंबर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, अगर आपको सरफेस एरिया में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब समझ जाओ टोटल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है टोटल। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन देखो, ये आपके पास एक क्यूब है और ऐसे आपने क्यूब में 15 क्यूब लगातार लगा दिए हैं, तो ध्यान से देखो ये पहला क्यूब है, हाँ। ये ऐसा पहला क्यूब दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, इसके बाद आपका दूसरे नंबर का क्यूब जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, ऐसा तीसरा वाला क्यूब जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, ऐसे चौथा वाला जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में 15 क्यूब आपको लगाने हैं, तो 15 नंबर वाला क्यूब, 15 वाला क्यूब ऐसा आ जाएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये क्यूब नंबर वन, ये क्यूब नंबर टू, ये क्यूब नंबर थ्री, करते 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 कितने कितने 15 क्यूब, यस और नो। अब आप देखो ऐसा थोड़ा सा डायग्राम आपके मन में बनेगा, आप बना भी सकते हो मन में, ऐसे करते करते कैसे बनेगा, अगर आप इन पूरे को जोड़ दो
इन पूरे को आप एक चिपका करके रखो तो आपको ये क्या दिखाई देगा पता है, आपको ये क्यूबॉइड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्यूबॉइड। अब कह रहा है इस क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना है और एरिया निकालना है। तो मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों कि अगर आपने इनको अरेंज करके रख तो दिया है, इस क्यूबॉइड की मुझे लेंथ बता दो कि लेंथ कितनी हो जाएगी। सबकी एक एक थी, सबकी कितनी थी? इसकी भी एक थी, इसकी भी एक थी। ये तो इसका नंबर पड़ा है कि क्यूब नंबर वन, क्यूब नंबर टू। इनकी लेंथ कितनी है? एक है। इसकी भी कितनी है? ऐसे 15 हैं। तो बताओ अगर सबकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो 15 की कितनी सेंटीमीटर होगी? 15। बिल्कुल सही, 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। ये लेंथ निकाल ली है। अब भाई साहब ब्रेथ बताओ कि टोटल ये जो सिस्टम बन रहा है इसकी ब्रेथ कितनी होगी? ये ब्रेथ है इसकी, इसकी ब्रेथ कितनी होगी बताइए, सोच के बताओ भाई साहब ब्रेथ कितनी होगी? अरे क्यों नहीं पता बच्चों, बोलो यार। 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। अरे ब्रेथ में थोड़ा ना चेंज आया है, ये तो लेंथ में जुड़ गया है ना, ब्रेथ तो वही रहेगी। बोलो हाँ, ये हिस्सा तो चिपक गया है ना, ऐड थोड़ा ना हुआ, ऐड तो ये लेंथ हुई थी, ब्रेथ तो चिपक गई है। यस और नो? यस, बिल्कुल सही बात है। ये मतलब ब्रेथ तो वही है ना, सेम है, हाँ है ना, और हाइट भी सेम है। हाइट भी कितनी है सबकी? सेम ही है। मतलब लेंथ आपकी जो है इसकी, इसकी लेंथ बदल गई है। लेंथ कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं ब्रेथ की, ब्रेथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं हाइट बोलूं तो हाइट कितनी हो गई है? 1 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोलता हूं इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आंसर 15 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर क्यूबिक। बोलो मजा आया, 15 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इसका वो एरिया। क्या निकालते हैं इसका एरिया? टोटल सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? टोटल सरफेस है। तो प्यारे बच्चों आप लोग भूरे नहीं होंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2lb प्लस 2 प्लस bh प्लस कितना lh, मतलब पेयर बनाने पड़ते हैं। तो 2 को बाहर कर दो, पहला पेयर बनाओ 15 का 1 के साथ, 15 × 1, बोलो कितना हुआ? 15। दूसरा पेयर बनाओ 1 का 1 के साथ, कितना हुआ? 1। और तीसरा पेयर बनेगा इसके साथ 15 का 1 के साथ, बोलो कितना हो गया? 15 बन जा 15। भाई तीन पेयर बन गया इसका इसके साथ, बोलो हाँ 15 बन जा 15। फिर दूसरा इसका इसके साथ बन गया 1 × 1 1। और लास्ट वाला पेयर एल का एच के साथ, बोलो कितना हो गया? 15 × 1 15 हो गया कि नहीं हुआ? तो चलो मजे की बात सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो 2 × 15 + 15 कितना? 30। और 30 + 1 कितना हुआ? 31। ओके, आंसर कितना हुआ? 62। यूनिट लगाना ना भूलें, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ चुका आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ चुका है? यस, तो टोटल सरफेस एरिया आ चुका है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो आया था, वॉल्यूम आया था कितना? 15 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया था? 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया भी निकल चुका है, ओके, और वॉल्यूम भी आ चुका है, ओके, यस। तो अब जो है एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये वाला जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ओके। 15 बॉक्स का जो क्यूब शेप्ड बना था उसका क्यूबॉइड का जो आपका वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, निकाल दिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या मैं पढ़ता हूँ कि ऐसे आपके 9 क्यूब बैक टू बैक जमा दिए गए हैं। कितने क्यूब? 9 क्यूब ऐसे बैक टू बैक जमा दिए गए हैं। आपको बताना है कि 9 क्यूब का एरिया क्या है, 9 क्यूब का। तो देखिए पहला क्यूब आपके पास मान लो ये है, इसको आपने जमा दिया है, ओके, इस तरीके से। फिर इसके बाद ये दूसरा क्यूब है, ओके, फिर तीसरा क्यूब है। ऐसे करते 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 कितने आपने 9 क्यूब्स रख दिए हैं। और अब आपको निकालना है सबसे पहले इसका वॉल्यूम। क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले आप इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट का पता लगा लो। ये सब 1 थी, तो 1 करते 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 लेंथ कितनी हो गई भाई साहब? 9 सेंटीमीटर। क्या बात है, बिल्कुल सही है। और ब्रेथ बताओ कितनी होगी इसकी? 1 ही होगी, क्योंकि ब्रेथ में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो ब्रेथ हो गई 1 सेंटीमीटर। और हाइट जो ये है, इसे हाइट बोलते हैं, हाइट भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर। आंसर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आंसर आ चुका आपका किसका? लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई, यानी कि आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब निकालना आपको सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया। मैंने बताया फॉर्मूला 2 और उसके बाद जोड़ी किसकी किसकी, लेंथ की ब्रेथ के साथ, ब्रेथ की हाइट के साथ, और लेंथ की हाइट के साथ। बिल्कुल सही, क्या बात है, बढ़िया स्पीड है। अब आइए देखते हैं
टू मल्टीप्लाई कर दो, जोड़े तो बने हुए हैं, नाइन इंटू वन कितना हो गया, नाइन, फिर वन इंटू वन कितना हो गया, वन ही हो गया, और प्लस लास्ट में नाइन इंटू वन कितना हो गया, नाइन हो गया, तो आंसर टू, नाइन प्लस नाइन एटीन, प्लस वन नाइनटीन हो गया, और नाइनटीन टू जा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में चलती है, क्या चलती है, स्क्वायर में। तो इस तरीके से ये आपका मैंने आज आपको जो कराया है, ये मैंने आपको पूरा क्यूब और क्यूबॉइड करा दिया है। आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत है तो ज़रूर डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। बाकी आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, कोई भी दिक्कत आए